और उत्तरकाशी के सिलकारा में 17 दिनों तक टनल से रहने के बाद बाहर निकले मजदूर अब दिल्ली पहुंच चुके हैं। दिल्ली एयरपोर्ट में मजदूरों का जोरदार स्वागत हुआ। इस दौरान सभी मजदूर काफी खुश दिखे। मजदूर सरकार के रेस्क्यू ऑपरेशन से काफी खुश हैं, वो सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं। और इससे पहले सिलकारा सुरंग से निकाले गए सभी 41 मजदूरों को बुधवार एम्स में भर्ती किया गया था, जहाँ शुरुआती जाँच में सभी मजदूर स्वस्थ पाए गए, कोई चोट नहीं मिली और इसी वजह से अब वो आगे अपने घर की ओर रवाना हुए। इंडिया टीवी के पास टनल के अंदर की एक्सक्लूसिव वीडियो मौजूद हैं, जो ये बताते हैं कि आखिरकार मजदूर किस तरह से अंदर रह रहे थे। मजदूरों ने अपने मोबाइल से ये वीडियोस बनाए हैं और आप देखिए किस तरह से पाइप के जरिए जब उनको ड्राई फ्रूट्स भेजा जा रहा था, सूखा खाना भेजा जा रहा था, उसकी तस्वीरें हैं। और यही वो टनल का हिस्सा है जहाँ पर मजदूर फंसे हुए थे 17 दिनों तक। अभी भी ओपन नहीं हुआ पहाड़। ये 36 घंटे की तस्वीर थी जब पहले दिन फंसे थे, 12 नवंबर को जब ये घटना हुई थी। सब फंसे हुए यही खा रहे हैं। 36 घंटा हो गए फंसे हुए, अभी भी ओपन नहीं हुआ पहाड़। और दूसरा वीडियो आपको दिखाते हैं जो 13वें दिन का है। तब तक मजदूरों के पास सरकार द्वारा खाने पीने का सामान पहुंचा जा चुका था, 6 इंच की पाइप अंदर पहुंचाई जा चुकी थी। और ये देखिए यहाँ पर आपको सेब संतरे नजर आ रहे और साथ ही जो तमाम खाना आ रहा था, जो पैक करके भेजा जा रहा था, उसे मजदूर इकट्ठा करके रख रहे थे। और बड़ी बात है कि मजदूर एक साथ एक ही जगह पे खाना खाते थे और स्टॉक करके रखा था कि किसी अनहोनी के दौरान वो इसका इस्तेमाल कर सके। अभी जो देखा ये पाला है खाने के लिए और दिखा रहे हैं क्या क्या आया है। आज 13वां दिन है हम लोगों का, अंदर सब लोग फंस गए थे। पूरा पहाड़ गिर गया था। ये यहाँ मंजन ब्रूस और ये टॉवल दिया है, मंजन ब्रूस जी भी दिया है। इन बोतलों में खाना आता था आया है।